माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में रेल कनेक्टिविटी सुधार हेतु रेल मंत्रालय द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी विस्तृत जानकारी अपने उत्तर में दी है। हम सभी इस बात से विदित भी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार रेल का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। रेल सुविधा बढ़ाने हेतु जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं हैं उसको भी अपग्रेड की जा रही है, नई ट्रेनें भी चलाई जा रही है। सर, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र जो जामनगर और द्वारका लोकसभा क्षेत्र है वो देश के पश्चिमी क्षेत्र के सीमा इलाके में सीमावर्ती इलाके में स्थित है। तो इस समग्र क्षेत्र को और रेल सुविधा से जोड़ना अति आवश्यक है। ये जो नई रेल पटरी रेल सुविधा बढ़ाने जाने की डिटेल्स माननीय मंत्री जी ने यहाँ दी है उसमें पोरबंदर तक का उल्लेख है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कालावर तहसील, जोड़िया तहसील और द्रोल के भी काफी ऐसे इलाके हैं द्रोल तहसील के जो आज भी रेल सुविधा से जुड़े नहीं है। क्या आने वाले दिनों में इन इन क्षेत्रों को रेल से जोड़ने का कोई प्रावधान होने वाला है, उस दिशा में कोई सर्वे किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लिए गए हैं और रेलवे का किस तरह से एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो, जैसा हम सब जानते हैं रेलवे भारत की लाइफलाइन है। तो गुजरात के जामनगर क्षेत्र की माननीय सांसद महोदया ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं और इनके प्रश्न का जिस तरह के अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके क्षेत्र में, राजकोट कनलॉस डबलिंग का पूरा सर्वे कंप्लीट हो चुका है, उसका DPR भी तैयार हो चुका है, तो उस पर भी आगे काम चल रहा है। और आदिवासी क्षेत्र जो विशेषकर प्रधानमंत्री जी मोदी जी की ये सरकार गरीब वंचित शोषित लोगों की सरकार है, तो जो विशेषकर ट्राइबल एरिया है और अपने कल्चरल हेरिटेज के एरिया है, सोमनाथ कोडिनार लाइन हो गई, गिर का एरिया हो गया जो कि एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब में कई सारे प्रोजेक्ट्स की DPR चल रही है, सर्वे चल रही है। माननीय सदस्य के साथ मैं जब भी कार्यालय में बैठूंगा उनको डिटेल विवरण उनके क्षेत्र का दे दूंगा। सर, मेरे संसदीय क्षेत्र में जो भावनगर डिवीजन है तो भावनगर डिवीजन में भी सुविधाएं बढ़ाने की अति आवश्यकता है, क्योंकि भावनगर डिवीजन से जो तहसील है मेरे क्षेत्र में जुड़ी है, जैसे कि जामजोधपुर तहसील, भाणवड़ तहसील, लालपुर तहसील, यहाँ पे जो नागरिक है उनकी बहुत समय से डिमांड है नई ट्रेनें चलाई जाए, पर इन सुविधाओं के अभाव से नई ट्रेनें हम नहीं चला पा रहे हैं। बहुत समय से मेरी मांग है राजकोट पोरबंदर से शुरू होकर सुबह ट्रेन राजकोट जाए वाया जैसलमेर और वाजारिया, ये ट्रेन हम शुरू मात्र ये सुविधा उपलब्ध ना होने के वजह से नहीं कर सके। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या भावनगर डिवीजन जहां बहुत उसे मुख्य क्षेत्र से जोड़ने की अति आवश्यकता है, क्या इस डिवीजन में आने वाले दिनों में मेरे क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाई जाएगी और रेलवे की जो दोहरीकरण रेल पटरी की जो दोहरीकरण का कार्य है वो मेरे क्षेत्र में कब तक पहुंचेगा और ओखा तक ये सुविधा कब उपलब्ध होगी? अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जो प्रश्न किया है इनके क्षेत्र में डबलिंग का कार्य राजकोट कनलॉस डबलिंग का ऑलरेडी चल रहा है, इसका DPR बन गई जैसा मैंने पहले निवेदन किया। इसके अलावा माननीय सांसद के क्षेत्र में जितना स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम है देश भर में चल रहा है, न केवल माननीय सांसद के क्षेत्र में बल्कि देश भर में स्टेशन का इम्प्रूवमेंट कैसे हो, उसका रीडेवलपमेंट कैसे हो और विशेषकर जो नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रख के हैंडीकैप अपने जिस तरह से फिजिकली हैंडीकैप लोगों का जिस तरह से गरीबों के लिए ध्यान देना हो उसी तरह से स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। एक विस्तृत जानकारी मैं माननीय सांसद सदस्य के साथ बैठ के इनके क्षेत्र के दूसरे पॉइंट्स को भी मैं सुन के नोट करके उसमें संज्ञान